मुजफ्फरपुर में वीडियो में अपने चार साथियों के साथ पिटाई कर रहा ये शख्स खुद को भाजपा नेता और बिहार के भाजपा के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का करीबी बता रहा है। 9 सेकंड के वायरल हुई इस वीडियो में नेताजी अपने चार गुंडों के साथ एक व्यक्ति की लात घूसों से पिटाई कर रहे हैं। पिटाई खाने वाले शख्स सुरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पीटने वाला व्यक्ति महेश दास है, जो खुद को भाजपा नेता और मंत्री सुरेश शर्मा का करीबी बताता है। घटना का कारण पीड़ित के भाई द्वारा लिया गया कर्ज के पैसे का भुगतान नहीं होना बताया गया है। पीड़ित का कहना है कि भाजपा नेता उसे शहर छोड़कर चले जाने की धमकी दे रहा है। क्या मारपीट हुआ आपके साथ? कि ये महेश दास हमारे साथ हर हमेशा मारपीट करता रहता है और कहता है कि हम बीजेपी नेता है, है ना, और हमारा साथ सुरेश शर्मा दे रहे हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं भी आ सकता है। एसपी डीएसपी को हम अपना पैकेट में लेके चलते हैं और ये हर हमेशा हमारे बाल बच्चा पर और हम पर, हमारे पुतों पर केस कर देता है। हर जन एक जो भी आता है इस मतलब गवाही देने के लिए उस पर हर जन एक केस कर देता है और उसके साथ ये मारपीट करता है। इसका यही काम है, बहुत दबंग आदमी है, बहुत ये सुध बहुत बड़ा सुधखोर है, बहुत बड़ा अपराधी है, किसी के साथ ये घटना कर सकता है। हाल फिलहाल का क्या, अभी क्या हुआ फिलहाल घटना? ये हमारे दुकान पर आ गया, हम खड़ा थे बाहर में और ये हमारे पत्नी को बोला कि हमारी पत्नी बोली कि जो आप चल जाइए भैया यहाँ से, काहे के लिए रुकिएगा यहाँ पर, तो बोला कि ना इस माधर चौथ को मार करके ही जाएंगे, इसको जान से मार देंगे, और लगा हमारे साथ पूरा परिवार को बुला लिया और मारपीट करने लगा हमारे साथ। हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं था, पैसा का लेन देन, पैसा का लेन देन हमारे भैया से, वो अपना लड़की के शादी में कुछ पैसा इससे लिए थे, क्या लिए थे नहीं लिए थे हमको नहीं पता है। और ये चढ़ गया हम पर कि पैसा तुमको देना है 10 लाख रुपया, चाहे तुम जहाँ से दो, नहीं देगा तो तुम्हारा पूरा परिवार को जान मार देंगे और तुम यहाँ से भाग जाओ, मुजफ्फरपुर छोड़ के घर वार छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तो जान मार देंगे। उस दिन इसी दरमियान आपसे मारपीट? जी, उसी दरमियान हमसे मारपीट की। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वो कह रहा है कि सुरेश शर्मा हमारा साथ दे रहा है, इसलिए पुलिस दरोगा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मंत्री के लेकर? जी, मंत्री के लेकर। अपना परिचय दे। जी, हम मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, आमगोला, माई स्थान, मुजफ्फरपुर। वहीं अब आरोपी महेश दास से घटना के संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि सुरेंद्र उनका पड़ोसी है, जो महेश के विधवा भावज को गाली गलौज करता है, साथ ही उनके परिजनों से मारपीट किया करता है। आगे महेश बताता है कि उस दिन दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पिटाई की थी, लेकिन उनकी पिटाई का वीडियो किसी ने नहीं बनाया। अपने सफाई में महेश दास ने बताया कि चूंकि मैं भाजपा से जुड़ा हूं और मंत्री सुरेश शर्मा का करीबी हूं, इसलिए मुझे बदनाम करने के लिए इस वीडियो को वायरल किया गया है। हाँ बताइए, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना सर ये है कि 5 तारीख की सुबह हम गए, हम मियाँ बीवी दोनों आदमी मोटरसाइकिल से दियोरी खरीदने, वो हमने वाइफ के साथ छेड़खानी करने लगा, उस पर विरोध किए तो हमको और हमारे वाइफ को मारपीट किया, वो उसकी पत्नी, उसको दोनों बेटा, 2-3 आदमी और थे जिनको चेहरा से पहचान है, नाम से परिचित नहीं है। उसके बाद जब हमने घर पर कोई आदमी खबर कर दिया तो हमारा भी बेटा भतीजा या किसी के माँ के साथ या बहन के साथ छेड़खानी कीजिएगा तो स्वाभाविक है 2-4 थप्पड़ पर मारेगा ही। वो हम लोग की तरफ से मार हुआ, जब मार लगा उसको तो उसका वीडियो बना लिया, हम लोग को मार लगा तो हम लोग तो मार खा रहे थे, अपना जान को बचा रहे थे, तो हमने तरफ से कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बना। दूसरा, मैं एफ आई आर की मेरे भावों के केस में चैन छीन लिया था, उसमें 2.5-3 साल पहले टाउन थाना से जेल गया था। हमारी पत्नी के केस में काजीमंदो थाना से जेल गया था, जिसमें दोनों केस में बेल पढ़ा, जो एफ आई आर में केस नंबर हम दोनों केस का खोल दिए हैं। अनुसूचित जाति के हम लोग हैं, हमारी भावो बीरो है, हमारा छोटा भाई मर गया एक्सीडेंट में, हमारी भावो बीरो है और इसका वो नजायज फ़ायदा उठाता है, हम लोग के साथ राजनीतिक छवि चाहता कि हमारा ख़राब कर दे। हमारा नाम महेश दास हुआ, हम माननीय सुरेश शर्मा जी के साथ मेरा राजनीति हो रहा है बीजेपी से, इसलिए वर्चस्व का वो मेरे साथ लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ दारू बेचता है, गलत गलत लोग के उसका संघर्ष सोसाइटी है। जब चाहे हमने घर के बहू बेटी को छेड़खानी कर दिया, जब चाहे वो हमारे साथ मारपीट किया और हम थाना पर केस किए हैं, एफआईआर किए हैं। एफआईआर में क्या हुआ नहीं हुआ हमको अभी तक कुछ मालूम नहीं है। आगे हम माननीय एएसपी साहब से मिलने आए, अपना गुहार लगाने आए हैं। अभी उसका कहना है कि आप इंटरेस्ट पर उसके बड़े भाई को पैसा दिए हुए थे और इससे जबरन मांग रहे हैं और नहीं देने पर आप उसको पीटे हैं। जी, हमारा कहना ये है कि अगर मेरा पैसा है उसके इंटरेस्ट पर जो भी है वो मीडिया के सारे बंधुओं को दे दे,
बोले तो लिख के हम देने के लिए तैयार है लिखित में। वो तो कह रहा है कि बराबर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, मारपीट बराबर करते हैं। इससे पहले कभी मारपीट वहाँ का लोकल दुकानदार से, लोकल लोग से पूछ लीजिए, अगर मेरा गलती हुआ तो जो सज़ा एक चोर का होता है वही सज़ा मेरा होना चाहिए। अगर हम सही हैं तो फिर आप लोग, आप पुलिस वाले लोग हमको और हमारे परिवार को मदद करें, हमारे जान का सुरक्षा रक्षा करें। मेरा इतना ही कहना है, मैं महेश दास। बहरहाल इस पूरे मामले पर सिटी SP राकेश कुमार ने बताया कि यह वीडियो 12 नवंबर के दिन का है। इस संदर्भ में स्थानीय काजी मोहम्मदपुर थाना में मामला दर्ज है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये जो वीडियो वायरल हुआ है इस मामले में, वीडियो पुराना है, इसमें ऑलरेडी दिनांक 5 नवंबर को काजी मोहम्मदपुर थाने में इसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, जो कि 5 नवंबर को केस नंबर 463 जो मारपीट का है, आवेदक है सुरेंद्र कुमार, इनके द्वारा ऑलरेडी दिया गया है और ये आज से 12 दिन पहले ही केस दर्ज कर चुका है। उसमें अनुसंधान भी चल रही है, उसमें 7-8 लोगों के विरुद्ध उन्होंने नामित केस किया है मारपीट का, और केस ऑलरेडी दर्ज करके अनुसंधान चल रहा है। और ये वीडियो अभी सर्कुलेट हुआ है, लेकिन इसका ऑलरेडी इसमें पुलिस से संज्ञान लिया हुआ है और ये मामला अनुसंधान के अंतर्गत है। अभी नेशन 24 के लिए मुजफ्फरपुर से आफरीन निदा के साथ नीरज कुमार की रिपोर्ट।